नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेटी को जन्म देने पर महिला को तलाक दे दिया। ससुराली जनों ने उसे बेटी समेत घर से बाहर निकाल दिया। महिला का आरोप है कि ससुराल में रहने के दौरान ससुर जेठ व देवर ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पति उसे फोन कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बरौन निवासी महिला का निकाह 9 फरवरी 2015 को शहर कोतवाली के मोहल्ला खटकपुरा आम वाली मस्जिद के निकट निवासी युवक के साथ हुआ था। युवक इन दिनों दिल्ली में कारोबार कर रहा है। निकाह के बाद से ही पति ससुर जेठ व देवर कार की मांग कर उसे उत्पीड़न कर रहे थे। कई बार मारपीट भी की गई, कमरे में बंद रखा गया। आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। 24 सितंबर 2016 को पीड़िता ने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद उस पर अत्याचार और बढ़ गया। 26 जनवरी 2018 को देवर ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। चीखने चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने आकर मौके पर उसको बचाया। 27 जनवरी को पति ने 3 बार तलाक कहकर पुत्री सहित उसे घर से निकाल दिया, जिससे परेशान होकर वह पिता के घर पर रहने लगी। इसके बाद से 3 बार फोन पर तलाक दे चुका है। पुलिस कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उन लोगों ने, मतलब तुम्हारे आदमी ने भी उनका सहयोग किया? हाँ, उन्होंने, हमने उनसे कई बार कहा, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें इस घर में ऐसे ही रहना पड़ेगा, वरना यहाँ से चली जाओ। तलाक दे हमें दे दी उन्होंने। आपकी शादी कब हुई? 2015 में, 9 फरवरी 2015 को हुई थी। तब से जब से ऐसे ही करते हैं, हम अपने घर आ जाते हैं, 6-6 महीने तक हम अपने घर पे ही रहते हैं, ना हमारे पास फ़ोन करते हैं कभी, ना लड़की का पूछते हैं, कुछ भी बात ही नहीं करते, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। हाँ, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका पता नहीं क्या हिसाब है। बहुत ही गलत लोग हैं, लड़की के साथ में बहुत गलत गलत किया, बहाने से लेकर आए उसे, और स्टेशन पे जाने कितना चलाया उसको, जाने कहाँ से लड़की को आप ले लिया, उसके ऊपर बैग लगा दिए, पता नहीं कौन गुंडे लगे थे, क्या लगा था उसके लिए। वो क्या, मैं के फ़ोन कर दो अपने भाइयों को, तो यहीं से बुला ले जाए। तो इसने क्या, नहीं हम सवाल हो जाएंगे अपनी, तो वहाँ जैसे तैसे रात काटी, और उसने बहुत दिक्कतें दी, परेशानी भी, सुबह में उसने फ़ोन किया कि हमें बुला ले जाओ। उसके बाद में भी अब पता लगा कि उसने एप्लीकेशन लिख के दी है, बहुत तकलीफ़ें दी हैं उसे, क्या बताया जाए।